वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर गए हैं। लक्ष्मण सिंह ने पीएम मोदी की आलोचना करने वालों को विकृत मानसिकता का प्रतीक भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने पर आपत्ति करना विपक्ष की घबराहट को बताता है। लक्ष्मण ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये बात कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी जी के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी साधना में लीन होंगे। वे कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल पर एक दिन और एक रात ध्यान लगाएंगे। ये वही जगह है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान साधना की थी। प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 24 घंटे के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं, और वहीं पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। 4:35 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी जाएंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में शाम 6:34 पर सूर्यास्त का नजारा देखेंगे। पीएम मोदी 1 जून को 3:45 पर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे। 4:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी अंतिम चरण के मतदान के समय पीएम मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था और वहीं रुद्र गुफा में ध्यान भी किया था। उनका ये दौरा उस समय काफी चर्चा में रहा था। पीएम मोदी के ध्यान साधना पर विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है। मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूँ, कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी? आप इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ऐसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। जिस पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने उन्हें हिदायत दी और विकृत मानसिकता का भी बताया, ऐसा पहला मौका नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष के नेताओं पर ही पलटवार किया हो। इससे पहले वे राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी कई सवाल उठा चुके हैं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।